श्री आप देश के साथ सही करने के लिए हमारे कांग्रेस के बड़ी नेता से प्रदेश पार्टी की प्रदेश पार्टी के साथ उन्होंने भी विलाल बाबू लाल जी हमारे कांग्रेस की रियासी सी आशीष पांडे वाली और सभी के स्थिति के लिए जो बैठे हैं आप लोगों का आभार आज की इस विशेष में मैं बिना कोई आगे की बात किए सीधे आप लोग कृपया शांति बनाए रखें कृपया मित्रों आज कोई इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस के मित्रों का स्वागत और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं केवल ये सूचना देने के लिए आपको यहाँ बुलाया कि जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है नीतीश जी के आमंत्रण पर वो पहले आपको जैसा मालूम है पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के यहाँ नीतीश जी मिले थे और वहाँ खड़गे साहब के द्वारा राहुल जी के द्वारा उनको कुछ नेताओं से वार्ता करने के लिए कहा गया था। वो वार्ता का दौर जब ख़त्म हुआ तो 23 तारीख को अब नीतीश कुमार जी के आमंत्रण पर सभी विपक्षी नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। उसमें हम लोगों के सम्मान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, खड़गे साहब आ रहे हैं और जो हम लोगों के संगठन प्रभारी हैं वेणुगोपाल जी वो भी शिरकत करेंगे। जब वो यहाँ आएंगे बिहार कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि चूंकि 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी उसके बाद पहली बार बिहार राहुल गांधी जी आ रहे हैं इसलिए हम लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत और अभिनंदन करने का फैसला किया। एयरपोर्ट आने के बाद वो सीधे सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय में आएंगे और यहाँ हम सभी रास्ते भर भी उनका स्वागत होगा, खड़गे साहब का स्वागत होगा, राहुल जी का स्वागत होगा, वेणुगोपाल जी का स्वागत होगा और यहाँ सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलेंगे और 11:30 बजे जबकि जो निर्धारित मीटिंग है फिर यहाँ से राहुल गांधी जी और दोनों नेता खड़गे साहब सभी वहाँ के लिए चले जाएंगे। क्योंकि तरह तरह की भ्रांति हो रही थी आपस में, कभी अखबार में कुछ छप जा रहा था तो मैंने सोचा कि आज बुला के मैं आपको प्रेस को सब ये बात बताऊं। चलो कई स्कूल जो आएंगे ना कि 22 को क्या पूछा आपने 23 को ही आएंगे कि 22 को 23 को आएंगे 23 को 10 बजे यहाँ आएंगे सदाकत आश्रम 10 से 11 सवा 11 तक यहाँ रहेंगे और यहाँ से फिर नीतीश जी के द्वारा आहूत विपक्षी एकता के बैठक में कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाए जिसके बाद भाजपा अधिकार में आ गई।
आज आज जिस बात के लिए मैं बुलाया था वहीं तक रहने दीजिए, बाकी राजनीति तो होते रहता है, उस पर तरह तरह की बातें होती रहेंगी। इसका निश्चित उत्तर मैं देने की स्थिति में नहीं हूं और मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि ये कांग्रेस में हमेशा से आला कमान की तरफ से कोई भी फैसला होता है। और अभी तो विपक्षी एकता की बैठक की पहल शुरू हुई है, उसके बाद उसमें सभी काबिल नेता लोग हैं। हमको तो याद है अच्छी तरह से 2004 में पहली बार लोकसभा में चुनकर गया था, उस समय भी कोई मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। जब पहले तो प्राथमिकता होना चाहिए कि इनकी इस सरकार की विदाई हो, मोदी सरकार पहले जाए, उसके बाद लोग मिलजुल के तय कर लेंगे। तेईस तारीख के बाद विस्तार भी होगा और कांग्रेस पार्टी से भी मंत्री बनेंगे, हम लोगों के दो बनेंगे और राजद से भी बनेंगे। बिल्कुल तय हो गया, तय। आपकी पार्टी से कितने बनेंगे? मेरे पार्टी से भी दो बनेंगे यार, कह क्यों आप चिंतित हैं? आग्रह है कि जो यात्रा राहुल गांधी के यहाँ है उस संदर्भ में आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो ये क्या अवश्य कर सकते हैं। अभी हम लोग सब तैयारी में लगे हुए हैं उनके स्वागत अभिनंदन के। ये पूरा स्वरूप बदल जाएगा दो दिन के अंदर अंदर, आप लोग आके देखिए। पीछे हम लोगों का इतना बड़ा मैदान है, सब उसमें लग रहा है। 70,000 स्क्वायर फीट का पंडाल और जो सड़क फड़क जो थोड़ा बहुत टूटा हुआ है वो सब रातों रात बन रहा है, उसी की तैयारी में हम सभी नेता कार्यकर्ता साथी सब लगे। सबसे मिलेंगे, मिलने ही के लिए आ रहे हैं तो यहाँ एक घंटा आप आके रहेंगे तो मिलेंगे नहीं। अरे भाई सबको मिलेंगे, संबोधित करेंगे, फिर यहाँ से तब जाएंगे। ऐसा न उन्होंने कोई बयान दिया है और नहीं अभी सब 23 तारीख के बाद देखिएगा, आगे कहीं कोई कठिनाई नहीं है, मैं यही कहूँगा। क्या ये सवाल नीतीश जी के लिए मैं छोड़ता हूँ, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए। ऐसे जो मुझे पता है कि मुख्यमंत्री आवास में ही बैठक होगी। बोल तो दिया आपने, आपका खाली अलग कम सुनते हैं क्या आप? मुख्यमंत्री आवास दोनों आपके पूछने वाला सवाल से पहले मेरा उत्तर तैयार था। वो सब आपके लिए आएगा तो 23 के बाद, नहीं तो 23 कोई मीटिंग है तो पहले कैसे कुछ होगा। आप दे दीजिए आप भी एप्लीकेशन। थैंक यू। Thank you.